शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड लर्निंग इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से जो मुकाबला हुआ उसके अंदर 33 बच्चों ने हिस्सा लिया। उन 33 में से 12 सिलेक्ट हुए, फिर 12 में से 6 सिलेक्ट हुए और आज फाइनल राउंड है। बहुत ही टफ राउंड है, सबको जिसने मेहनत की है इंशाल्लाह उसको फल ज़रूर मिलेगा। तो आइए इस मुकाबले को शुरू करते हैं। सबसे पहले हसनैन रज़ा को मैं दावत दूंगा कि वो आए और बारगाह रिसालत में हदियानात पेश फरमाएं। अल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू शाह है खूबां तू जाने जाना, तू शाह है खूबां तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाह है खूबां तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। मुल लेंदी ना यूसुफ नू खुद आप ही बिक जांदी, मुल लेंदी ना यूसुफ नू खुद आप ही बिक जांदी। तक लेंदी जुलेखा जे तस्वीर मोहम्मद दी, ओ कहंदी ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे, दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे, सब देखे मगर तेरे कदमों में पड़े देखे। मैंने ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। है दोनों जहां यारो है दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की कहिए ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाह खूबां तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाह खूबां तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, है तुझ पे 70,000 पर्दे। जहाँ में लाखों ही तूर बनते, जहाँ में लाखों ही तूर बनते, जो एक भी उठता
हिजाब तेरा तुषा है खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा तुषा है खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। क्यों घबराए घबरा कर रो के पढ़ रहे हो? और शुरू में जो आपने दुरूद शरीफ पढ़ा ना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि का, आपने वसल्लम अलैहि का पढ़ा, वसल्लम अलैहि का या रसूल, बाकी तो नात में सही पढ़ा। और आखिर के शेर में जो आपने ऊपर उठाया ना वो पहले वाले में उठाना था, जैसे एक शेर ख़त्म किया इसके बाद दूसरा जो शेर है ना वो उठा के पढ़ना था, आपने दूसरा शेर गिरा के पढ़ा इसके बाद वाला उठा के पढ़ा, तो इसका दूरा ख्याल रखें। मेरे मौला 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 मौला, काबे की रौनक काबे का मंजर, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखो तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखो तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हम दो मैंने मैम से बोला, मैम ने बोला सही है। एक तो वो है कि कानों में रस मलती है ना, इसकी बात कर क्या शुरू करा, निजाबे रहमत है मेरे सर, अने दुआ इमरान हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। तो मैं तो लड़की हूँ ना, चंद अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो जिसमें लड़के के लिए भी वही होता है लड़की के लिए भी वही होता है। हदिया नाम पेश करने के लिए मैं विश इस्माइल को काबे की रौनक काबे का मंजर, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु
भी देखती हूँ और देखती हूँ, कभी मैं हरम को लाया कहाँ, मुझको मेरा मुकद्दर लाया कहाँ, मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे एक लाइन में पूरी नहीं पढ़ सकते तो नहीं पढ़, बीच में रुक जाए। अब दूसरा मिसरा है ना, एक सांस में तीसरे, एक सांस का भी वो पूरा हो नहीं रहा, उसका ये कि बीच में आधा तोड़ के फिर आधा पढ़ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، غلامان محمد کو صدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، غلامان محمد کو صدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، فخط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے، وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے۔ ہمیں عشق رسالت میں صدا سرشار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، غلامان محمد پر صدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ فدا کا بھی و امی رسول اللہ، فدا قلبی و امی رسول اللہ، اقابی آنکھ رکھتا ہے ترقی کے لبادوں پہ، بھروسہ کر نہیں سکتے لگے لپٹے ارادوں پہ، بھروسہ کر نہیں سکتے لگے لپٹے ارادوں میں، غلامان محمد کو صدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آخری ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر،
की तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, छोड़ कर हम मदीना न जाएं कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तेबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तेबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। बहुत की थी कि मैं आऊं, और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं ही जीतूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे जहाँ तक लगता है मैं से गलती नहीं, मुझे कोई प्रेशर नहीं था, कोई डिप्रेशन नहीं था, बस मुझे यही था दिमाग में, माइंड में यही था कि बस मुझे जीतना है कैसे भी करके। सेकंड मुझे लगता है हंसने, और थर्ड का मुझे नो आइडिया। आयजा ने अपने लिहाज से अच्छी पढ़ी, मतलब आयजा तो बच्ची है ना, तो बच्ची के लिहाज से अच्छी पड़ी। इंशाल्लाह मेहनत की है जीतूंगी तो ज़रूर। सेकंड दुआ आप ही आएगी और थर्ड आफिया आप ही। मेहनत की है इंशाल्लाह जीतूंगी मैं ही। फर्स्ट पे तो हंसने नहीं होगा, और सेकंड पे हुरैन या तो फिर दुआ। हुरैन ने भी पढ़ी है, दुआ ने भी पढ़ी है, दुआ होगी। हसनैन जीत रहे हैं। वो एक लाइन गलत पढ़ ली। नहीं शायद। ओके, हसनैन जाएगा टॉप पे। सेकंड और थर्ड कौन होगा? तो सेकंड या तो वो आयजा होगी या दुआ होगी। और थर्ड? थर्ड हरमेन होगी या महविश होगी। नाद पढ़ना सीखा, जैसे जज ने बताया कि कौन सा तरीका सही है, कैसे कहाँ आवाज़ ऊंची होनी चाहिए, पढ़ना सीखा। और कॉन्फिडेंस करने चाहिए ऐसे इवेंट्स, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, और अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा तो किसी को फेस नहीं कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत तो मैंने की थी, बस बाकी देखें इंशाल्लाह जीत जाऊंगी। फर्स्ट पे आई थिंक सो हसनैन होगा, और थर्ड पे हरमैन होगी या तो आयजा होगी। अगर पोजीशन नहीं भी मिली तो इंशाल्लाह फिर भी मेहनत करते रहेंगे, और आगे इस तरह के अगर फंक्शंस वगैरह हुए तो परफॉर्म करती रहूँगी। Thank you.
प्रोग्राम का जो है बाकायदा आगाज़ मैं सर से करवाना चाहूँगी कि वो किरत से प्रोग्राम का आगाज़ करे, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सर इंशाल्लाह तिलावत कलाम मजीद होगी, तमाम मदाज गौर से समात फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم। तिलावत कलाम मजीद के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात के चंद अशआर पेश करने की इजाज़त सआदत हासिल कर रहा हूँ। गौर से समात फरमाएं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, क्या बताऊँ क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊँ उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊँ और दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मदीना है। क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। क्या
आपने माशाल्लाह से हमारे बच्चों को जज किया, सारी चीज़ें की, तो इस प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को भी बता दें कि किस तरीके से हुआ, क्या थे बच्चों ने, किस तरीके से पढ़ा और उनके मीन्स कहाँ कहाँ गलतियाँ थी, क्या क्या हमारे बच्चों ने सीखा, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए किस तरीके से हैं, तो थोड़ा सा आप बता दें। माशाल्लाह सभी बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा, माशाल्लाह सारे ही मेहनत कर कर आए थे और बहुत ही कॉन्फिडेंस से पढ़ रहे थे। तो इसमें यह है कि चंद जो बच्चे थे उनमें गलतियां भी थी, वो इस लिहाज से कि लफ्ज़ों की कहां पर कौन सा वर्ड मुश्किल होगा वो उसको यूज़ करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन काफ़ी बेहतर बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा इंशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका। बुलाना चाहूँगी अजमत दाऊद को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया है हमारे बच्चों के लिए, आगे बढ़िए, तो प्लीज़ तालियां होनी चाहिए अजमत के लिए, प्लीज़ अजमत। नेक्स्ट जो है वो मैं बुलाना चाहूँगी आयशा फयाज को, कि वो हमारे साथ आई थिंक सेकेंड इवेंट है जो हमारे साथ ये कर रही हैं, तो तालियाँ होनी चाहिए आयशा फयाज के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट वुमन एम्पावरमेंट, हमारी थर्ड वन मैन आर्मी, मैं मैम जुलेखा को बुलाना चाहूँगी क्योंकि वो हमेशा साथ ही होती हैं, चाहे स्टूडेंट हो कुछ भी हो हमारे लिए, तो प्लीज़ तालियां होनी चाहिए मैम जुलेखा के लिए। मैम प्लीज़ इन्हीं के साथ ही प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेते हुए चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे फर्स्ट राउंड में जो क्वालिफाई हुए थे वो 12 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 6 जो है वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया था। तो सबसे पहले मैं जो है वो उन 6 स्टूडेंट्स को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। तो उनके नाम हैं हसनैन रज़ा, आफिया कासिम, महविश, आयज़ा मुक्तसीद, दुआ इमरान, हरमेन हारून। तालियां होनी चाहिए इन बच्चों के लिए हमारे। अच्छा, ये हमारे टॉप 6 फाइनलिस्ट थे, इनमें से जो है वो हम जो 3 फाइनल के लिए क्वालिफाइड किए हैं, जिन्होंने मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन की है, मैं नाम अभी नहीं लूँगी, जस्ट स्टूडेंट्स के नाम बता रही हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है वो हम बाद में अनाउंस करेंगे। तो कौन लगता है पहले कौन होगा, मतलब टॉप 3 कौन होंगे, कौन होगा ये बताओ। मैं हरमैन, आयज़ा। ओके गुड जी, हरमैन कौन कौन होगा। मैं हरमैन, मैं दुआ, और ये लगती है मुझे तो आयज़ा। ओके जी आयज़ा कौन कौन होगा। दुआ आप ही, आफी आप ही, हरमैन आप नहीं होंगी, क्यों, आपने भी तो इतनी अच्छी नात पढ़ी थी, फाइनल में आई हो ना, इतनी अच्छी पढ़ के तो आई हो, इंशाल्लाह मेहनत किया है इंशाल्लाह। जी महविश। हसनैन, दुआ और आयज़ा। हसनैन, दुआ और आयज़ा, माशाल्लाह। आयज़ा, दुआ और हसनैन। आयज़ा, दुआ और हसनैन। जी हसनैन। दुआ, राबिया और आफिया। आप क्यों नहीं, कैश नहीं है क्या, बताइए जीजा। आप क्यों नहीं, मतलब अपने आप ने, आपने भी तो अच्छी नाक पढ़ी थी, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। जीत जाएंगे तो अपना नाम भी लो ना। ठीक है, तो अब जो है वो हम हमारे जो टॉप 3 फाइनलिस्ट हैं उनके नाम मैं जस्ट बताती हूँ। हमारे टॉप 6 जो फाइनलिस्ट थे उनका मैंने आपको बता दिया, माशाल्लाह से इन्होंने जो है वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और इतना आगे बढ़े हैं, इंशाल्लाह आगे भी ये बढ़ेंगे। तो मैं अब चाहूँगी जो हमारी टॉप 3 वुमेंस एम्पावरमेंट है, ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगी कि वो इस प्रोग्राम के हवाले से बताए, ऐसी एक्टिविटीज़ के हवाले से बताए। तो सबसे पहले जो है मैं आयशा आपकी तरफ आऊँगी, आप बताएं इन सबका, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, होने चाहिए किस तरीके से होने चाहिए, स्टूडेंट्स की इनकरेजमेंट किस तरीके से होती है। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैं बच्चों को सबसे पहले कंग्रेट करूंगी और थैंक्स करूंगी कोलैबोरेशन के लिए, कि वर्ल्ड लर्निंग हमेशा हमारे लिए, मतलब हमें जो भी हमारा प्रपोजल होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं और हमारे साथ हमेशा खड़े हैं, सबसे पहले तो ये। सेकेंडली मैं ये कहूंगी कि देखें, हर कोई काम कर रहा है ना, वुमेन एम्पावरमेंट पर भी काम हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर हम जा रहे हैं, बट बच्चों के लिए कहीं काम नहीं हो रहा था। और हमारा ये सेकेंड प्रोजेक्ट था फ़क्रे पाकिस्तान, हमने किया, जब भी वर्ल्ड लर्निंग वालों के बच्चों, मतलब उन्होंने भी बच्चों ने परफॉर्म किया और एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखी। तो आप चूँकि नात का था हमारा, तो इस हवाले से हमने देखा, तो मेरे ख्याल से जो ये एज है और ये जो जनरेशन है इसको आगे मूव करने की भी ज़रूरत है, कि जो इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो कैसे पता चलेंगी और इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कैसा पैदा होगा। तो बस यही हमारी छोटी सी कोशिश रही है जिसके तहत हमने ये प्लान किया। हम आगे भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट आई विल मूव फॉरवर्ड टू अजमत। अजमत आप बताएं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है।
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि मुझे बच्चों को मोटिवेट करना है, और वो कहते हैं ना समंदर से मोती निकालना, मेरा काम वो है, बस इतना कहूँगी, इसके आगे नहीं। थैंक यू सो मच। अच्छा नेक्स्ट जो है मैं मैम जुलेखा की तरफ जाऊँगी। जी मैम, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? थैंक यू सो मच सिद्रा। जिस तरीके से आज प्रोग्राम हुआ है, जो यहाँ पर प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, थैंक यू सो मच अजमत का, जो जिनकी एफर्ट से, जिनके काम से नज़र भी आ रहा होता है जो ये कर रही होती हैं, और जितने भी हमारे गेस्ट हैं जो आज हमारे पास प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, थैंक यू सो मच आयशा, आपका थैंक यू, आपकी पूरी टीम का जो आपके साथ आई है उन सबका थैंक यू, और जो हमारे जज आए हैं उनका भी थैंक यू, और जो पार्टिसिपेट आज बच्चों ने किया है उन सबके लिए थैंक यू। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हमारा काम होता है बच्चों को इनक्रेज करना, मोटिवेट करना, उनको आगे लेकर आना। जैसा कि हम स्कूल वर्ल्ड लर्निंग इंटरनेशनल कैंपस में हमारे इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें हम बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू लाइनअप करते हैं, उनको आगे लेकर आते हैं। स्टडी नहीं होती, स्टडी से हटकर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। नात एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़ास कोई प्रोग्राम होता है जब भी हम इनवाइट करते हैं या बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं, लेकिन हमारा माशाल्लाह एक प्रोग्राम होता है मदरसे का भी, जो माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे होता है, जो हम वर्ल्ड लर्निंग इंटरनेशनल कैंपस में करवाते हैं, और इससे हमें माशाल्लाह बहुत पेरेंट्स की तरफ से भी फीडबैक अच्छे मिले हैं, और उसमें भी बच्चे काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं जो कि डिफरेंट कैंपसेस में भी हैं, और वो नज़र भी आती हैं ये चीज़ें। तो आज जो बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं उसकी बदौलत ये कि कुछ एफर्ट्स बच्चों की भी है, कुछ पेरेंट्स की भी है, और इंटरनेशनल स्कूल के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उन सब की हैं, जब जाके आज प्रोग्राम हमारा हुआ है। नॉट इवन जस्ट कि यहाँ पर सिर्फ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो, कहीं भी हो, जैसा कि आपका फ़ख्र पाकिस्तान एक हुआ प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो हमारी माशाल्लाह पूरी टीम जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, ना सिर्फ हेड, टीचर्स, स्टाफ, पेरेंट्स सब होते हैं, सबका काम मिलकर ही होता है जब कोई चीज़ परफॉर्म नज़र आता है कि। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन का, थैंक यू सो मच आप लोग आए, और थैंक यू कि हमें मौका मिला आप तक बात पहुंचाने का, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट हम जो है वो आगे प्रोग्राम को लेके जाते हैं। ये हमारे टॉप 6 फाइनलिस्ट हैं, इसके अंदर से टॉप 3 पहले हम अनाउंस करते हैं, देन फिर बताएंगे कि फर्स्ट कौन है, सेकेंड कौन है, थर्ड कौन है, थोड़ा सा सस्पेंस रख के। तो सबसे पहले जो है वो मैं नाम लूँगी, तो वो एक आगे आ जाइएगा एक कदम, ठीक है? तो सबसे पहले है दुआ इमरान। ओके नेक्स्ट है हरमेन हारून। ओके लास्ट बट नॉट लीस्ट हसनैन रजा। अब इनमें से कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड होगा? कौन होगा? जी दुआ, हरमेन। अच्छा हम नाम अनाउंस करने से पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, मैं चाहूंगी कि जो हमारे जज हैं सर प्लीज आप स्टेज पर आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सभी बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा, बल्कि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनकी मेहनत है, इन्होंने मेहनत की है और मेहनत करके आगे बढ़े। गलतियां होती रहती है, लेकिन गलतियों को सुधारने का भी मौका मिलता है, तो आइंदा इंशाल्लाह गलतियों से सुधार पैदा होगा तो आगे कामयाबी मिलती जाएगी। तो सबसे पहले थर्ड पोजीशन पर जो आए हैं उनका मैं अनाउंस करूँगा। थर्ड पोजीशन पर दुआ इमरान, सेकंड पोजीशन पर है हसनैन रजा, और आज की विनर फर्स्ट पोजीशन पर हरमेन हारून, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन, माशाल्लाह तीनों ने बहुत ही मेहनत की, बहुत अच्छा पढ़ना रहा इनका, इंशाल्लाह आगे जाके नेक्स्ट में और भी ज़्यादा कामयाबी अल्लाह इनको अता फरमाए, आमीन।
पक्का यकीन था, ताकि मैंने जब नाच सुनाई थी तब उसमें गलती भी नहीं थी कोई, जैसा मुझे लगता था तो, पर लगता सही था मुझे, मैंने मेहनत भी बहुत की थी तो मुझे अपनी मेहनत का अजर मिला है। आगे जितने भी कॉम्पिटिशन होंगे या कुछ भी होगा उसमें मैं हमेशा पार्टिसिपेट लूँगी और मैं मेहनत करूँगी कि मैं हर दफ़ा फर्स्ट आऊँ।